गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। और इसमें हम डिस्कस करने हैं यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चंस। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो हमने डिस्कस किए थे। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलें, ताकि एक ही वीडियो में आपको जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं, मेन जो पोएट्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएं। तो 25 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम जो है स्पीड से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु सेड नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये किसने कहा था। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं चार, और करेक्ट आंसर की ओर हम यहाँ पे बढ़ेंगे। ये इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। तो कौन सी पोएम में कह रखा है ये आप बताएंगे। पहली वाली अगर आपने वीडियो वॉच किया है तो उसमें हमने डिटेल में बताया था। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रील्यूड हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स, तो प्रील्यूड कितने बुक्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 बुक्स में। आप भी अपना स्कोर जरूर बताएगा वीडियो के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है। ये दोनों यानी कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा कोलैबोरेशन में लिखा गया है 1798 में। आपको पता है वर्ड्सवर्थ डाइड इन, तो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई ये बताना है। तो 1850 में इनकी मृत्यु हो रखी है, और 1770 में इनका जन्म हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे, हु इज़ दी कंपोजर ऑफ लूसी पोएम्स, तो लूसी पोएम्स का जो कंपोजर है वो कौन है। तो इनकी संख्या जो है 5 है, और ये वर्ड्सवर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ मेनी पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन दी लिरिकल बैलेट्स, तो कितनी पोएम्स हैं इसमें जो है वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट में टोटल जो है 23 पोएम्स हैं, और इसमें से जो है 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ वॉज मेड पोएट लॉरेट, तो कब बने ये पोएट लॉरेट ये बताना है हमें। और तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं। 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रील्यूड कंप्लीटेड इन 1805 बट पब्लिश्ड इन, प्रील्यूड जिसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, तो ये कंप्लीट हो गया था 1805 में, पब्लिश हुआ ये 1850 में पोस्थ्यूमसली इनकी डेथ के बाद। वैगनर इज अ पोम बाय, तो किसकी किसकी पोम है, वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, हु सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है पैराडॉक्स है, और एक किसकी पोम है यानी कि किसकी पोम से लिया गया है ये, या ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट देखिए, और आपको बताना है ये कहाँ पे कहा गया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच पोम डू दीज लाइन अपीयर, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून, तो ये कहाँ पे कहा गया है ये बताना है हमें। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है हमारे पास, तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं, और करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड जो है ये क्या है, तो ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है पोम है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बोल सकते हैं हम प्रील्यूड जो है। और जो हमने इससे पहले भी बताया 1805 में कंप्लीट हो गया था, 1850 में इसको पब्लिश कराया गया, 14 बुक्स हैं इसमें, और इसका सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है पोम किसकी है ये बताना है, चार ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफोडिल इज अ पोम बाय, तो ये भी वर्ड्सवर्थ की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक, तो किसने कहा, पी बी सेले ने कहा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज ऑफ द व्यू ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, तो ये कथन किसका है, ये भी वर्ड्सवर्थ का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सैमुअल टेलर कॉलेज से रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एसटी कॉलेज जो है प्रोड्यूस्ड अ प्ले रिमोर्स इन द ईयर, तो कब इनका जो प्ले है ये पब्लिश हुआ रिमोर्स करके, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 1813 वही ईयर है जब यहाँ पे रॉबर्ट सदे जो है पोएट लॉरेट बनते हैं। फ्रेज दी थिंग दी हाई रोड ऑफ लाइफ, ये किसके द्वारा यूज किया गया है, ये भी जो है कॉलेज के द्वारा यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु इज द लॉस्ट लीडर इन ब्रॉनिंग्स पोम लॉस्ट लीडर, तो ब्रॉनिंग की जो पोम है लॉस्ट लीडर, उसमें लॉस्ट लीडर कौन है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है इन्होंने।
इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे शेक्सपियर में टिक हो गया गलती से, वर्ड्सवर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टेबल टॉक जो है ऐसे किसका है, तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो ये ऐसे किसका है कॉलरिज का है, और सेम वर्क जो है टेबल, सेम टाइटल टेबल टॉक करके जो है विलियम हेजलिट का भी एक वर्क है, एक क्रिएशन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पुरानी वीडियो में हमने डिटेल में बता रखा है, पिछली वीडियो में, द ग्रेट ओड जो है डिजेक्शन वॉज रिटन बाई, तो डिजेक्शन एंड ओड करके ये कॉलरिज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलरिज मैट वर्ड्सवर्थ, तो कब ये वर्ड्सवर्थ से मिले, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास चार हैं, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन से साल जो है ये वर्ड्सवर्थ से मिले, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1797। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलरिज एंड लैम्ब डाइड इन द सेम ईयर, और तो कॉलरिज और लैम्ब जो है, चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों एक ही साल यानी कि ये फ्रेंड भी थे और इनकी डेथ भी एक साथ होती है, कहने का मतलब एक ही ईयर सेम ईयर में होती है, तो वो ईयर बताना है, 1834 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्रिस्टाबेल इज अनफिनिश्ड पोम बाई, तो क्रिस्टाबेल जो है ये कॉलरिज की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज वॉज रिटन बाई कॉलरिज, तो कॉलरिज के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से, तो अगर करेक्ट आंसर की यहाँ पे बात करें तो रिमॉर्स हो जाएगा, रिमॉर्स जो कि 1813 में इनके द्वारा लिखा गया जो प्ले, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। और अगर बात करें इसी का, जब इसको स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा था 1797 में, इसका नाम ओसोरियो करके था, इसका नाम क्या था, ओसोरियो करके इसका नाम था, लेकिन 16 ईयर लेटर ही रिकास्ट एंड रिवाइज्ड इट एंड गेव अ न्यू टाइटल दैट वॉज रिमोर्स, और वो टाइटल जो दिया इन्होंने बाद में इसको, वो क्या था, रिमोर्स करके, पहले 1797 में इसका नाम ओसोरियो था और बाद में इसको रिकास्ट किया गया, इनके द्वारा रिवाइज भी किया गया, तो और 1813 में इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, रिमोर्स करके। ये स्टार्टिंग में जब ओसोरियो करके था, ये ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी थी इनके द्वारा लिखी गई। आगे देखिए इसमें, और पहले ऑप्शन की बात करें तो बॉर्डर्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, ओनली ड्रामा है, सेंसी जो है पी बी शेली का है, और ओथो द ग्रेट किसका है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, तो ये किसके द्वारा दिया गया जो है फ्रेज है, तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, ये कॉलेज के द्वारा दिया गया है ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑथर ऑफ बायोग्राफी या लिटरेरिया, तो बायोग्राफी या लिटरेरिया के ऑथर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे हम, और ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज। और अगर इसी की बात करें 1817 में यह आया था, 1817 में बायोग्राफी या लिटरेरिया आया था, और इसका अदर टाइटल, अदर नेम की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम है माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस करके, माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन करके इसका अदर टाइटल भी है, दूसरा नाम इसका है बायोग्राफी या लिटरेरिया। इसमें इन्होंने क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो फैंसी और इमेजिनेशन की बात कर रखी है, और इमेजिनेशन इन्होंने दो टाइप का बता रखा है यहाँ पे, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो ये कहते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है वो सबके लिए होता है, सब लोगों के लिए होता है, फॉर ऑल पीपल। और दूसरे अगर सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करें तो ये सिर्फ क्रिएटिव पीपल के लिए होता है, जैसे कि पोइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ओपियम एडिक्टेड कौन था, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉलरिज। और इसके अलावा ओपियम ईटर करके किस जो वर्क भी है वो किसका है ये आप बताएंगे, ये अक्सर इससे पहले भी पूछा जा चुका है, अगर उत्तराखंड में यहाँ पे लेक्चरर एग्जाम की बात करें तो ओपियम ईटर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ कॉलरिज पोम वॉज इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेट, तो कॉलरिज की जो ये पोम है इनमें से कौन सी पोम को जो है लिरिकल बैलेट में जो है इंक्लूड किया गया था, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ये पहली पोम है लिरिकल बैलेट की, और लास्ट जो है टिंटन एबे है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर जो है ये कॉलरिज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे जो है, कॉलरिज बायोग्राफी या लिटरेरिया अपीयर्ड इन द ईयर, तो कौन सा साल अपीयर हुआ है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु रोट ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, तो ये किसने कहा है ये बताना है हमें,
तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे चार हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉलेज का है ये। मोटिवलेस मिलानिटी इज अ फ्रेज फ्रॉम किसका है फ्रेज, ये हमें ये बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर की बात करें तो कॉलेज का हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु टॉक द डिवाइनिटी ऑफ शेक्सपियर करके, तो ये किसने कह रखा है, किसने बात की इसके बारे में, तो ये है कॉलरिज। ही प्रेड बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डू दीज लाइन अकर, तो कौन सी पोम में ये लाइन अकर होती हैं, आती हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, और ये है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। सदेज द लाइफ ऑफ नेल्सन इज अ प्रोज वर्क विच केम आउट इन, तो रॉबर्ट सदे जो हैं, जो कि पोएट लॉरेट बनते हैं कब, 1813 में, 1813 से लेके 1843 तक पोएट लॉरेट रहते हैं। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं 1850 तक, और 1850 से 1892 तक जो हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए 42 ईयर्स के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लाइफ ऑफ नेल्सन जो एक प्रोज वर्क है, ये कब आया, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो हमें आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, 1801। विच वन इज नॉट अ पोएटिक वर्क बाय रॉबर्ट सदे, तो रॉबर्ट सदे का पोएटिक वर्क नहीं है वो पूछा जा रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर। इससे पहले लाइफ ऑफ नेल्सन जो था, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, वो प्रोज वर्क है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बात करें, जॉन ऑफ आर्क, द कर्स ऑफ कहामा, थलावा द डिस्ट्रॉयर, ये जो है इनके पोएटिक वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ नेल्सन इज अ प्रोज वर्क विच केम आउट इन, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है इसके बारे में, तो सदे ऑप्शन यहाँ पे जो है 37 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाइफ ऑफ नेल्सन जो है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है बात करें तो पोइटिक वर्क है किसका, रॉबर्ट सॉरी प्रोज वर्क जो है किसका है, प्रोज पीस है किसका, रॉबर्ट सदे का, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, रॉबर्ट सदेज अ विजन ऑफ जजमेंट इज अ लुडिक्रस इलॉजी। इलॉजी क्या होती है, प्रेस पोएम होती है, प्रशंसा में लिखी जाती है, और प्रशंसा में एक जो डेथ के बाद लिखी जाती है वो एलिजी होती है, और अगर बात करें जो पहले अगर लिखी जाती है इलॉजी, डेथ से पहले इलॉजी, ये प्रेस पोएम है दोनों, लेकिन वो आफ्टर डेथ है और ये बिफोर डेथ है। तो यहाँ पे इयोलॉजी जो है, जो इनका ओविजन ऑफ जजमेंट है, इज अ ल्यूडिक्रस इयोलॉजी ऑफ, तो किसकी है ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे चार हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थर्ड पे लिखी गई थी, जॉर्ज थर्ड की प्रशंसा में लिखी गई थी। आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, तो किसके बाद बने, तो ये बने थे सदे के बाद। और विलियम वर्ड्सवर्थ सदे और कॉलरिज जो है लेक पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में एक थोड़ा सा वहाँ पे जो क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस जो हैं गलत टाइप हो रखे थे, तो मैंने बताया था मेरे एक स्टूडेंट ने टाइप किया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है हमने पिन भी कर रखा है उसको। तो उसमें जो अगर बात करें लिरिकल बैलेट के जो फोर एडिशन हैं, जैसे कि पहला 1798 में, दूसरा जो है 1800 में, थर्ड जो है 1802 में, और फोर्थ जो है 1805 में, यानी कि जब प्रील्यूड रिटर्न हुआ था, तो ये फोर एडिशन हैं। अगर बात करें तो जो थर्ड एडिशन था 1802 में, उसमें पोएटिक डिक्शन की बात कर रखी है उन्होंने, तो पोएटिक डिक्शन वाला उसमें थोड़ा सा ऑप्शन मेरे हिसाब से शायद उसमें जो कमेंट आया था उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो जो रोमांटिक एज से रिलेटेड हमने वहाँ पे वीडियो बना रखी थी, पोएटिक डिक्शन जो है थर्ड एडिशन यानी कि 1802 वाले में है। अमेरिका में भी इसका जो पहला एडिशन था वो 1802 में ही आया था। वॉल्टर स्कॉट से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। वॉल्टर स्कॉट जिनको वेबरली नोवेल्स के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल नोवेल्स के लिए जाना जाता है, वॉल्टर स्कॉट का नोवेल जो है रॉब रॉय करके है, ये कब आया ये पूछा जा रहा है हमें। चार ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, और करेक्ट आंसर हमें बताना है। 1817 है इसका आंसर भी, और 1817 वो ईयर है जब
कॉलेज का बायोग्राफिया लिटेरिया भी आया हुआ था 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस ऑफ एस्पेन करके इज द ओनली प्ले बाई, तो किसका है ये है स्कॉट का, यहाँ पे स्कूट की जगह स्कॉट होगा, तो वॉल्टर स्कॉट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वॉल्टर स्कॉट वॉज बोर्न इन, तो इनका जन्म कब हुआ वॉल्टर स्कॉट का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1771 में। 1770 में किसका जन्म होता है वर्ड्सवर्थ का होता है, और 1771 में किसका होता है यहाँ पे वॉल्टर स्कॉट का। प्राउड मैसी इज अ बैलेड बाई, प्राउड मैसी किसका बैलेड है ये बता हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट देखिए लेडी ऑफ द लेक करके है, पोम किसकी है ये पूछा जा रहा है लेडी ऑफ द लेक करके, तो ये है ऑप्शन यहाँ पे चार हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए स्कॉट। ये स्कॉट की जगह स्कूट टाइप कर रखा है जो कि हमने बताया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्कॉट है लेडी ऑफ द लेक करके, ये किसका है ये जो है वॉल्टर स्कॉट का है वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 45 जो हमारे पास है, इन इवान हो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्गाइज्ड रॉबिन हुड, तो डिस्गाइज्ड जो डिस्गाइज का मतलब है भेष बदलना, तो जो वेश बदल के जो रॉबिन हुड हैं तो उनका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है चार स्कॉट, जॉर्ज एलियट, टेनिसन, स्विनबर्न, तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इसका क्वेश्चन नंबर 45 का, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा स्कॉट। वेवरली इज अ हिस्टोरिकल नोवेल भाई, तो किसका है वेवरली हिस्टोरिकल नोवेल, तो ये है स्कॉट का। हु गेव बर्थ टू हिस्टोरिकल नोवेल, किसने बर्थ यानी कि किसने इनकी शुरुआत की हिस्टोरिकल नोवेल्स की, तो किसने लिखना इनको प्रारंभ किया, तो वॉल्टर स्कॉट है, हिस्टोरिकल नोवेल्स के लिए जाने देते हैं। वेवरली जो है अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल पोम किसकी है, तो ये भी जो है वॉल्टर स्कॉट की है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, माइक लैम्बोर्नी इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, तो माइक जो है लैम्बोर्नी करके जो कैरेक्टर हैं ये किसके उसमें हैं, तो ये स्कॉट करेक्ट हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर माइक लैम्बोर्नी करेक्टर हमने ऑलरेडी बता दिया, ए यहाँ पे हो जाएगा, वॉल्टर स्कॉट हैज़ बीन बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क फॉर हिज बुक, तो वॉल्टर स्कॉट जो है अपने बुक के लिए जाने जाते हैं, कौन सी बुक के लिए जाने जाते हैं कहने का मतलब है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इवान हो। The Heart of Midlothian and Castle Dangerous are novels by, तो किसके नोवेल्स हैं वॉल्टर स्कॉट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्टर स्कॉट द टेल्समैन इज अबाउट, तो टेल्समैन जो है इनका किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है हमें, तो ऑप्शन हमारे पास इसमें चार हैं, तो करेक्ट आंसर हमें बताना है इसमें, और ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्रूसेड्स। ओल्ड मोरालिटी जो है नोवेल है किसका है ये पूछा जा रहा है, और इसमें भी चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वॉल्टर स्कॉट का भी ऑप्शन नंबर सी। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स, तो फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल के नाम यानी किसको माना जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा वॉल्टर स्कॉट। इन विच नोवेल डिड स्कॉट रेज एंड स्कॉटिश स्टीम, जो कौन से अगर उसमें नोवेल में जो है स्कॉट ने रेज किया स्कॉटिश स्टीम को, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे चार हैं, तो करेक्ट आंसर बताना है हमें, तो ऑप्शन जो बी है इवान हो ये करेक्ट हो जाएगा। लाइफ ऑफ नेपोलियन इज अ प्रोज पीस भाई, लाइफ ऑफ नेपोलियन जो प्रोज पीस है वो किसका है, तो ऑप्शन चार हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाइफ ऑफ नेपोलियन जो प्रोज पीस है तो किसका है स्कॉट का है। आफ्टर हुज रिफ्यूजल पोएट लॉरेटशिप वॉज कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट सदे,
तो यानी कि कहने का मतलब है किसने रिफ्यूज किया वर्ल्ड जो है पोइट लॉरेट शिप को, और उसके बाद जो है रॉबर्ट सदे पोइट लॉरेट बनते हैं 1813 में, तो ये थे वॉल्टर स्कॉट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टेलिसमैन इज अ नोबेल बाय, तो किसका है टेलिसमैन नोबेल करके, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, वॉल्टर स्कॉट का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो लेडी ऑफ द लेक करके जो इनका एक वर्क हमने अभी डिस्कस किया था, तो वो फेमस कहाँ पे रहा था, अगर बात करें पब्लिकेशन इसका हुआ था 1810 में, और पब्लिकेशन इसका जो फेमस रहा कहाँ पे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, लेडी ऑफ द लेक करके, जो लेडी ऑफ द लेक करके 1810 में हमने बताया, इसका पब्लिकेशन के साथ ही जो फेमस रहा था ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में रहा था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।